गाड़ी गाड़ी वॉच आउट अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सभी का। वेलकम बैक हो गया एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। आज की वाली वीडियो आप लोग काफी ज्यादा एंजॉय करने लगे हो, काफी मजेदार किस्म के क्लचेस होने वाले हैं। और जैसा कि टाइटल थंबनेल और इंट्रो से आप लोगों ने सागुताब लगा लिया होगा कि आज हमारी फाइट होने लगी है अभिजमल भाई के साथ में, वो भी लाइव स्ट्रीम के ऊपर। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। लाइक कर दिया करो यार, आपका तो कुछ नहीं जाता, इससे मेरी वीडियो की रीच बढ़ जाती है। बाकी फिलहाल यहाँ पर ना मेरे ऊपर एक पूरे स्क्वाड का पुश आ जाता है, तो जरा सीन चेक करो। आइए भाई, यहाँ पर हमें शॉटगन बचा जाती है, वरना यहाँ पर हमारा खेला खत्म था। अभी इन बंदों को फिनिश करवाने के बाद मेरे पास जितनी भी हेल्थ थी यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ। इतनी देर में ना इनका चौथा बंदा होता है, वो भी मेरे ऊपर पुश कर देता है। इसको तो भाई साहब नचा नचा कर मारूंगा मैं। अभी इस बंदे को भी फिनिश वगैरह करवा लेता हूँ और जल्दी से ना इन बंदों की लूट वगैरह यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। इतनी देर में ना यहाँ पर मेरे ऊपर एक और स्क्वाड का पुश आ जाता है। अभी आप लोग जितने भी क्लचेस देख रहे हो ना भाई, ये सिर्फ एक ही मैच के अंदर मैंने किए हैं, यानी कि एक मैच के अंदर ऑलमोस्ट 5 से 6 क्लचेस निकाले हैं मैंने। आइए गाइज, यहाँ पर ये वाला स्क्वाड भी डेड हो जाता है, बाकी इनकी भी जल्दी से लूट वगैरह कर लेते हैं। इतनी देर में ना यहाँ पर मेरे ऊपर एक और स्क्वाड का पुश आ जाता है। यहाँ पर बंदों की लूट शूट मैं कर लेता हूँ। जल्दी से यहाँ पर ना बंदों की तरफ मैं जा ही रहा था कि मुझे ना लेफ्ट वाली साइड से एक बंदे का साउंड आता है। इस भाई के हाथ में वो वाली गन होती है जिससे मेरी फट जाती है, यानी कि शॉर्ट गन होती है भाई के हाथ में, लेकिन हमारी जिगल के आगे इसकी शॉर्ट गन भी फेल है। इस भाई ने डैमेज अच्छा खासा दे दिया शॉटगन की वजह से। अभी इसको फिनिश करवाने के बाद ना जल्दी से अपनी हेल्थ वगैरह मैं लगा लेता हूँ। इतनी देर में इसके बाकी टीमर भी पुश कर देते हैं। आइए बस, यहाँ पर ये वाला स्क्वाड भी डेड हो जाता है, बाकी इनकी लूट शूट करता हूँ और अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट फाइट की तरफ, जो कि होने लगी है पुचिंकी के अंदर। यहाँ पर 1v8 की सिचुएशन बनने वाली है। फिलहाल ना सामने मेरे एक बंदा होता है, इसको ना मैं ग्रेनेड से यहाँ पर नॉक कर लेता हूँ। नॉक करने के बाद इसको मैं यहाँ पर ना इजी तरीके से फिनिश भी कर देता हूँ, लेकिन जैसे इसको यहाँ पे फिनिश करता हूँ ना बाबा जी, इसकी थोड़ी बहुत लूट करता हूँ, मुझे सामने वाली साइड से ना बंदों का साउंड आना शुरू हो जाता है। इसी वजह से ना मैं पोर्टल लगाकर सीधा सामने वाले घरों में चला जाता हूँ। ये वाले बंदे ना काफी अच्छी गेम खेल रहे होते हैं, बिल्कुल भी सरा नहीं करते ये बंदे और मेरे ऊपर सीधा पुश कर देते हैं, तो जरा सीन चेक करो।
यहाँ पर मेरा 1v4 कंप्लीट हो जाता है। बाकी ना मुझे अभी लेफ्ट वाली साइड से ना एक बंदे का साउंड आता है, जो कि बाबा जी फुल टाइम कैंपर बंदे होते हैं। काफी देर इन बंदों का वेट करने के बाद ना यहाँ से मैं अपना कारपेट लेके निकल ही रहा होता हूँ, ये बंदे टैप फायर देकर ना मुझे वापस बुला लेते हैं। अभी बाबा जी इन बंदों को काफी ज्यादा मैं इधर उधर ढूंढता हूँ, लेकिन मुझे कोई बंदा स्पॉट ही नहीं था हो रहा। जैसे इस घर में आता हूँ ना, सामने चर्च वाली साइड पे ना मुझे ये बंदे स्पॉट होते हैं। फिलहाल तो मुझे पूरे 3 ही बंदे स्पॉट हुए थे, लेकिन आगे जाके ये पूरे 4 बंदे हो जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर इनका एक टीममेट मैं नॉक कर चुका था। पोर्टल की मदद से ना मैं सीधा इन बंदों की तरफ पुश कर देता हूँ। बस आप लोग ये वाला स्क्वाड वाइप एंजॉय करो, फुल मजा आ जाएगा आपको। फिलहाल यहाँ पर इनके मैं 3 बंदे नॉक कर चुका था। जो इनका लास्ट टीममेट होता है ना बाबा जी, वो यहाँ से दुड़की लगा देता है, मतलब कि बाबा जी यहाँ से भागना शुरू कर देता है। मैं काफी ज्यादा इस बंदे को ना इधर उधर ढूंढता हूँ। मैं यहाँ पर रिफ्लेक्स मारने के लिए बिल्कुल तैयार था कि बाबा जी अगर ये मुझे सरप्राइज भी देगा तो मैं इसको रिफ्लेक्स मार के मैं ले जाऊंगा, लेकिन बाबा जी ये बंदा ना यहाँ से भागना ही शुरू कर देता है। भाई भागता ही क्या, यहाँ पर मिस्टर इंडिया बन जाता है। लेकिन आप लोगों को लगा होगा कि बाबा जी यहाँ से निकल गया वो बंदा, लेकिन बाबा जी ऐसे कैसे। यहाँ पर मैं जैसे ही निकलने लगता ना मुझे वो बंदा यहाँ पर स्पॉट हो जाता है। स्मक कॉपी भाई यहाँ पर इसका नाम होता है। इसको ना यहाँ पर मैंने 3 दफा मारा है एक मैच के अंदर, तो भाई के साथ ना सही रेल वाला मोहमय हुआ है। अभी चलते हैं हमारी मेन फाइट की तरफ, जो कहने लगी है अभिजमल भाई के साथ में, वो भी लाइव स्ट्रीम के ऊपर। अभी बाकी लेके ना यहाँ पर मैं बंदे शंदे ढूंढ रहा था कि अभिजमल भाई ना फायर दे के मुझे यहाँ पर रोक लेते हैं। इतनी देर में ना बाबा जी यहाँ पर एक और स्क्वाड का पुश आ जाता है। अभी जो अभिजमल भाई होते हैं ना उनको लगता है ये मेरा स्क्वाड है, और मुझे लगा ये अभिजमल भाई का स्क्वाड है, मतलब हम दोनों यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। अभी मैं ऊपर होल्ड इसलिए करके खड़ा था क्योंकि मुझे लगा यार नीचे अभिजमल भाई का पूरा स्क्वाड है, लेकिन अभी भाई को लगा ये मेरा स्क्वाड है, इसलिए वो मेरे ऊपर पुश कर देते हैं। तो जरा सीन चेक करो। यहाँ पर अभी भाई को मैं नॉक करता हूँ। नॉक करने के बाद अपनी किट वगैरह लगा लेता हूँ। किट लगाने के बाद अभी भाई को यहाँ पर मैं फिनिश भी कर देता हूँ। अभी जो यहाँ पर एक और स्क्वाड आया होता है ना, वो अभिजमल भाई के टीममेट को भी यहाँ पर मार देते हैं, और मेरे ऊपर भी ग्रेनेड बोलियां कर रहे होते हैं। लगे हाथ यहाँ पर इनका एक टीममेट मेरे ऊपर पुश करता है। इस बंदे को यहाँ पर मैं नॉक करता हूँ और लगे हाथ जाके इसको फिनिश भी करवा देता हूँ कि तू मेरा पुत्र छुट्टी कर चल। बाकी अभी ना यहाँ पर इनके 3 बंदे बचते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 2 ही बंदों का साउंड आ रहा था, क्योंकि ये ग्रेनेड बोले इतनी ज्यादा इन बंदों ने की कि मुझे किसी बंदे का क्लियर साउंड ही नहीं था। बाकी अभी आप लोग बस सीन चेक करो। यहाँ पर मुझे लगा सिर्फ इनका एक ही बंदा है, लेकिन आगे से 2-2 बंदे निकल आते हैं और मेरे साथ यहाँ पर मोहमय हो जाता है, और मेरा रैंक भी आप लोग चेक कर सकते हो। इसके टीममेट भी आ रहे हैं। क्या कहा इसका टीममेट? कितने अच्छे हैं यार, कसम खुदा की। फिर भी देख रहा हूँ इधर, आई डोंट नो यार, अभी भाई यहाँ पर गुस्सा क्यों हो रहे थे। आई थिंक लाइव स्ट्रीम है तो कोई बात नहीं यार, होता है बंदा गुस्सा हो जाता है समटाइम। चलते हैं हमारी नेक्स्ट फाइट की तरफ, जो करने लगी अगेन पुचिंकी के अंदर। यहाँ पर ना सामने मेरे एक बंदा होता है। फिलहाल मैं एक ग्रेनेड करता हूँ जिससे कि बंदा थोड़ा बहुत डैमेज हुआ होगा। लगे हाथ यहाँ पर मैं एक और ग्रेनेड कुक करता हूँ, और बंदा शरीफाना तरीके से मेरे सामने आ जाता है। इसको यहाँ पर मैं ग्रेनेड से नॉक भी कर लेता हूँ। नॉक करने के बाद ना सामने तरफ मैं पुश करने के लिए जाता हूँ कि मुझे एक और बंदे का साउंड आता है। पहले तो मैं ग्रेनेड करने लगता हूँ, लेकिन मैंने सोचा छत पर जाकर इजी होकर ग्रेनेड करते हैं, और लगे आज बंदा भी जो है मेरे ऊपर ग्रेनेड कर रहा था। अभी उसका ग्रेनेड से मुझे डैमेज नहीं होता, और मेरे ग्रेनेड से भी आई थिंक उसको डैमेज नहीं हुआ। लेकिन इस भाई को यहाँ पे मैं नो करके ना लगे हाथ फिनिश भी कर देता हूँ। जैसे इस भाई को यहाँ पे फिनिश करता हूँ ना, मुझे साउंड आता है कि बाबा जी इसके 2 टीममेट ना सामने वाली साइड पर भी हैं। इसी वजह से बाबा जी इनको मिस कराने के बाद मैं सीधा सामने वाली साइड पर पुश करने के लिए चला जाता हूँ।
अभी चलते हैं हमारी नेक्स्ट फाइट की तरफ, जो कि होने लगी है बाबा जी मिलिट्री बेस के अंदर। यहाँ पर ना बाबा जी टोटो के अंदर स्क्वाड आइप होने लगा है, लेकिन आपको चास करवाएगा। फिलहाल मेरे सामने एक बंदा लैंड होता है जिसको मैं मौके पे नोक और फिनिश डाल देता हूँ। अभी जैसे यहाँ पर इसको नोक और फिनिश डालता हूँ ना बाबा जी, सामने वाली साइड पर ना इसका एक और टीममेट आ जाता है। यहाँ पर ना इनके दो टीममेट को मैं नॉक करता हूँ और दोनों को यहाँ पर फिनिश भी करवा देता हूँ। मुझे लगा ये सिर्फ दो ही बंदे हैं, लेकिन बाबा जी यहाँ पर मैं गलत होता हूँ, क्योंकि इनके ना पूरा स्क्वाड होता है यहाँ पर। अभी ना इनकी लूट वगैरह मैं करके जैसे इस साइड पर आता हूँ ना बाबा जी, सामने घर में ना एक बंदा होता है। बाबा जी अगर आप लोगों को ये वाला ग्रेनेड पसंद आए तो बाकी वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी वाला ग्रेनेड चेक करना बस। आइए गाइस, कैसा ग्रेनेड लगा आप लोगों को, चासाई या नहीं? चास ना हो तो पैसे वापस। खैर इस भाई को यहाँ पे फिनिश वगैरह करवाता हूँ। फिनिश करने के बाद इसकी थोड़ी बहुत लूट यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर इसकी लूट शूट करने के बाद मैं यहाँ से निकल ही रहा था कि इनका जो लास्ट टीममेट होता है ना, वो यहाँ पर बोट मारता हुआ पकड़ा जाता है। ये वाला स्क्वाड भी यहाँ पे डेड हो जाता है। बाकी चलते हैं हमारे लास्ट स्क्वाड टाइप की तरफ, जो करने लगा अगेन पुचिंकी के अंदर। मैं कहता हूँ ये वाला स्क्वाड टाइप आप लोग खुद एंजॉय करो, बाकी वीडियो को लाइक करके जाना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कर देना प्यारा सा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।